भिंड कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने भिंड जिले में एक अनूठी नई पहल शुरू करते हुए भिंड जिले के तहसील स्तर के ग्रामीण आवेदकों को उनकी समस्याओं के निवारण के लिए उन्हीं के तहसील स्तर पर जिला स्तरीय जन सुनवाई कर सराहनीय कदम उठाया है, ताकि जिला मुख्यालय स्तर पर जो आवेदक पहुंच नहीं पाते थे, परेशान होते थे, वर्षों से उनके आवश्यक कार्य लंबित पड़े रहते थे, इसी उद्देश्य से आज तहसील लहार में जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया। इसमें लहार तहसील की 65 पंचायतों के आवेदकों की सुनवाई हुई। आवेदनकर्ताओं की समस्याएं सुनकर उनका जल्द से जल्द समाधान करवाने के निर्देश अधीनस्थ संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए गए। जन सुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत जैतपुरा के सरपंच व ग्रामीण जनों के द्वारा प्राप्त शिकायत पर सहायक यंत्री पीएचई लहार काली चरण झा को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिवस में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा लहार के ग्रामीण अंचल से आए ग्रामीण जनों के द्वारा जन सुनवाई में अपनी समस्याओं को भिंड कलेक्टर के समक्ष रखा। भिंड कलेक्टर ने एक कदम आगे बढ़कर उनके पास जा जाकर आवेदनों को एकत्रित कर निवारण का आश्वासन दिया। इस मौके पर अनुविभागीय अधिकारी आरएल प्रजापति, तहसीलदार नवीन भारद्वाज, मुख्य नगर पालिका अधिकारी लहार महेश पुरोहित, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दबोह के अलावा समस्त विभागों के आला अधिकारी सह सचिव उपस्थित थे। सुनवाई लगाई गई भिंड कलेक्टर द्वारा, वो बहुत अच्छी है और संवेदनशील है, और यहाँ जो भिंड जाते थे लोग वो यहाँ आके जन सुनवाई में शामिल हुए, उनके लिए बहुत लाभदायक। जो भिंड कलेक्टर का जन सुनवाई जो हुआ ना लाड नगर पालिका में, सारे किसानों को काफ़ी लाभ मिला। इनका कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। यहाँ सारे किसानों को बड़ा सबूर, सारे लोगों ने अपनी अपनी समस्या बताई, जो भिंड नहीं जा पाते थे उनके लिए यहाँ बड़ा सुविधा का साधन रहा। तो उसी क्रम में आज लहार में जनसुनवाई हुआ है, जहां लहार सब डिविजन का और ब्लॉक्स का, नगर या निकाय का जो सभी अधिकारीगण, सभी डिपार्टमेंट का अधिकारी यहां उपस्थित रहे हैं। अराउंड 150 आवेदन यहां विभिन्न स्तर पर प्राप्त हुआ है। कुछ आवेदनों में आज ही निराकरण किया भी गया है और कुछ शाम तक निराकरण हो जाएगा, और कुछ आवेदनों में उसका सूची अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भेजा गया है। 2-3 दिन में, 1 सप्ताह के अंदर अंदर निराकरण करने के निर्देश के साथ भेजा गया। तो एक यही पीएचई का एक शोकास नोटिस जारी किया गया है। कोई एक गांव जैतपुरा करके गांव है, उसमें पीएचई का जो ठेकेदार के माध्यम से उन्होंने नल जल योजना का कोड दिया है, बट उसका प्रॉपर रेस्टोरेशन नहीं किया करके शिकायत था, उसका शोकास नोटिस किया है। 2-3 विषय में प्रथम दृष्टियां उसमें कुछ लापरवाही पाए जाने पर, क्योंकि उसमें जाँच किया करके कार्रवाई किया जाना उचित होगा, तो इसलिए SDM साहब को मैंने निर्देशित किया हूँ, उसको थोड़ा सा जांच करके अगर वाकई में सही पाया गया हो तो आज उसका शाम तक कार्रवाई से आपको अवगत करा दिया जाए।